ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच इन दोनों के बीच, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर प्रमेय, स्ट्राइक पर दीपल शाह। अंबोली जोगेश्वरी प्रीमियर लीग के इस लीग का ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच वेब इंफोटेक के बीच और एनसीसी इन दोनों के बीच। दीपल शाह स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर प्रमेय और गेंदबाजी करने आए हैं पहला ओवर लेकर जसवंत। और ये वाइट का इशारा, 5 रन मिलेंगे यहां पर। लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, स्वीप जरूर किया था लेकिन बॉल और बैट का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं। इस बीच 5 रन मिले एक्स्ट्रा में, बिना बॉल एक भी बॉल नहीं हुआ और 5 रन मिले। फिर से उसी दिशा में स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, 1 रन, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5-6 रन। एनसीसी वर्सेस वेब इंफोटेक इन दोनों के बीच पहला क्वार्टर फाइनल मैच। जसवंत सामना करेंगे प्रमेय और थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन आसानी से इसे स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, 1 रन प्राप्त किए। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 7 रन, 2 बॉल 7 रन। ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, व्हाइट का इशारा अंपायर का। इस व्हाइट के साथ धीरे धीरे स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 8 रन। दीपल शाह स्ट्राइक पर, बैकफुट पर जाकर कट किया और 4 रन मिले वहां पर। बढ़िया बल्लेबाजी, सुबह से अपनी टीम के लिए बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपल शाह और अच्छे अंबोली के एक ओनार, एक बड़े नाम वाले बल्लेबाज हैं, पूरे मुंबई थाना में जाने जाते हैं दीपल शाह। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ओवरम हो या ओवरम बॉक्स हो या फिर बॉक्स हो अंडरम, बढ़िया तरीके से। एक गेंद लेग ब्रेक हुआ मिडिल स्टंप पर, टप्पा खाने के बाद हल्का सा लेग ब्रेक हुआ, समझ नहीं पाए दीपल शाह इस गेंद को, बीट हो गए। अगली गेंद जसवंत की, बढ़िया शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर आशीष सोनावने की, 3 रन बचाए आशीष ने अपने टीम के लिए। जसवंत की अगली गेंद, 13 रन हो चुके हैं। बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से कट किया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट प्रमेय और दीपल के बीच। ओवर की समाप्ति, एक ओवर समाप्ति के बाद 14 रन आए हैं दीपल शाह और प्रमेय। बहुत ही बढ़िया जोड़ी है इन दोनों की, तालमेल अच्छी तरह से जानते हैं एक दूसरे का। एक ओवर 14 रन बिना कोई नुकसान के, पहला क्वार्टर फाइनल मैच AJCL का, सीजन चौथा और 2022 का। दूसरा ओवर लेके आए हैं विजय नाचनकर, ये जोगेश्वरी साकार रोड के एक अच्छे ऑलराउंडर है। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही है गेंद, जिस प्रकार का उछाल चाहते थे प्रमेय उस प्रकार का उछाल मिला नहीं इस गेंद को। अगली गेंद विजु की, प्रमेय सामना करेंगे। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही करारा शॉट, एम्पायर के बाजू से बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव, 4 रन मिले। इस 4 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ, बिल्कुल अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी। चौका खाने के बाद सीधे ब्लॉक हॉल में ये गेंद, अच्छी वापसी विजु की। अगली गेंद विजु की, सामना करेंगे प्रमेय। फिर से ऑन साइड में खेला है लॉन्ग ऑन पर मनोज, जब तक फील्ड करके वापस भेजते गेंद को, 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। विजु की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, 4 रन, बढ़िया और रेंज में ऑन साइड में मिड विकेट की दिशा में
बढ़िया शॉट और 4 रन प्राप्त किए, 2 चौके आए इस ओवर में। इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 23-23 दूसरा ओवर प्रगति पर। फिर से पुलटा सा और ये एक मौका था विजू के पास, कैच पकड़ लेते तो एक बहुत बड़ा झटका एनसीसी को लग जाता पच्ची के रूप में, दीपल शाह के रूप में। प्रयास अच्छा किया था विजू ने, फॉलो थ्रो में आसान नहीं होता कैच पकड़ना, लेकिन अच्छा प्रयास। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्ति के बाद 24 रन 12 के औसत से अब तक ये रन बनाए एनसीसी के दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी पार्टनरशिप, 24 रनों की पार्टनरशिप। तीसरा ओवर, हेलो, तीसरा ओवर लेके आए हैं। तीसरा ओवर लेके आए हैं जसवंत, मैच का तीसरा, अपना दूसरा। बढ़िया शॉट पॉइंट में, ओहो पराग, फुटबॉल भी खेलते हैं पराग शिंदे। 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए पराग शिंदे ने। जसवंत की अगली गेंद, मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद एंगल बनाती हुई ये गेंद, बढ़िया तरीके से गेंदबाजी कर रहे, अच्छी तरह से गेंदबाजी कर रहे लाइन और लेंथ के साथ जसवंत। ओह बल्ले का किनारा लगा और फिर से एक 4 रन स्लिप के बाजू से गेंद निकल गई, किनारा लगा था। 4 रन, इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 29। हल्के हाथों से खेलकर स्ट्राइक रोटेट किया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हेलो, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है एनसीसी का 30 रन। बैकफुट पर जाकर गैप ढूंढने की कोशिश, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 31। तीसरा ओवर प्रगति पर है, मैच का तीसरा और अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं जसवंत। जसवंत फिर से एक बार तैयार, प्रमेय सामना करेंगे और फिर से बैकफुट पर जाकर 1 रन मिलेगा, टैप किया इसे कवर्स में, 1 रन मिलेगा। थर्टी टू 32, 3 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 32। लगभग 10.25 की औसत से स्कोर बनाए अब तक एनसीसी ने, 3 ओवर समाप्ति के बाद 32 रन। अब देखना है 4th ओवर, शाकिब इनको सौंपा गया है, अब देखना है शाकिब अपने इस ओवर में सफलता दिलाते या नहीं। दीपल शाह और प्रमेय, अच्छी साझेदारी यहां पर दोनों के बीच बनता हुआ। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 32 रन अब तक हो चुके हैं। अब नए गेंदबाज शाकिब आए हैं गेंदबाजी के लिए। हेलो चिक, हेलो हेलो, शाकिब आए हैं गेंदबाजी के लिए। और ये विक्की का अच्छा प्रयास, हेलो, बहुत बढ़िया प्रयास विक्की गोवेकर द्वारा, लेकिन 1 रन बचा नहीं पाए। कैच अगर पकड़ लेते तो बहुत बढ़िया कैच होता दीपल शाह का। इस बीच अगली गेंद शाकिब की, और ये थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच गेंद थी, बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, लेकिन बॉल और बैट का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं हुआ। इस बीच एक डॉट गेंद, शाकिब की अगली गेंद, फिर से और लॉन्ग ऑफ पर, लॉन्ग ऑफ पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ। थर्टी फोर 34 रन,
शाकिब की अगली गेंद सामने दीपल, और ये दूसरा मौका, दूसरी बार जीवन दान दिया है दीपल शाह को। विजू पॉइंट पर खड़े थे और सीधे उनके हाथों में थी ये गेंद और हाथों से चटक गई, और एक जीवन दान यहाँ पर दीपल शाह को, और ये जीवन दान काफी महंगा पड़ेगा। शकीब की अगली गेंद और इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में अजय आशीष, सॉरी आशीष ने ये थ्रो अच्छा थ्रो किया था लेकिन स्टंप से काफी दूर थे गेंदबाज। इस बीच अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक रन चुरा लिया, इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 36-36 चौथा ओवर प्रगति पर 36 रन। शाकिब की अगली गेंद सामने दीपल, अब फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया शॉट, गैप में बहुत बड़ा गैप था वो थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में से गेंद चार रन के लिए, इस चार रन के साथ स्कोर पहुंचा है 40 ओवर ना, चार ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 40-40 10 के औसत से अब तक ये रन बनाए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने, 40 रन चार ओवर 40। अब देखना है आखिरी ओवर में कितने रन बटोरते हैं दीपल और प्रमेय। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई है आशीष सोनाव ने, अंबोली कुंची कुर्वे समाज के एक युवा गेंदबाज आशीष सोनाव ने। बहुत ही अच्छा एक्शन, बॉलिंग एक्शन है उनका आशीष सोनाव ने, और सामने स्ट्राइक पर प्रमेय। ये इस टूर्नामेंट का, इस AJCL का पहला क्वार्टर फाइनल मैच, और छह रन मिले यहां पर बहुत, और ये इस टूर्नामेंट का मेरे ख्याल से ये दूसरा सिक्स है पूरे टूर्नामेंट का, पूरे टूर्नामेंट का ये दूसरा सिक्स है। सीधे बैनर फाड़ दिए सिक्स का, और जहाँ चार जगहों पर ये सिक्स का बैनर लगा है उस पर अगर लगेगा तो छह रन मिलेंगे, पहली गेंद पर छह रन फिर से, और यहाँ रनआउट का चांस है प्रमेय वहां पर, और ये देखना है रनआउट हो चुके हैं, पहला झटका प्रमेय रनआउट होकर सिक्स मारकर दूसरी गेंद पर रनआउट हो चुके हैं, और अच्छी वापसी यहाँ पर आशीष की, फुल टॉस गेंद थी उनकी कोई गलती नहीं, बाहर मारने का बाहर जा रही थी गेंद, लेकिन आयोजकों ने यहाँ पर चार बोर्ड लगाए हैं छः रन के लिए, एक डीप स्क्वायर लेग में, एक मिड विकेट के दिशा में, एक लॉन्ग ऑफ के दिशा में, और एक पॉइंट की दिशा में, ऐसे चार दिशाओं में चार सिक्स के बोर्ड लगे जिस पर अगर बॉल फुल टॉस लगती है तो छः रन वहाँ पर आपको मिलेंगे, और ये टूर्नामेंट का दूसरा सिक्स लगा है आज। और आशीष अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, सामने है दीपल, और क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, दूसरा झटका फुलटॉस गेंद थी, अगर स्कोर कितना 41 ना 46 46 रन पर दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन में, फुल टॉस गेंद थी, अगर खड़े होकर खेलते जगह पर तो शायद ये चौका भी मार सकते थे, लेकिन ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर आ चुके थे, फाइन लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, चार रन बटोरना चाहते थे, लेकिन इस बीच स्टंप से जाके टकराई गेंद, लग गया हम आते रे, फिर से एक बार उसी दिशा में अजय शॉर्ट पिच गेंद थी, डीप स्क्वायर लेग में खेला है, और इस चार रन के साथ स्कोर पहुंचा है 50 रन, और दूसरी गेंद पर विकेट, और दूसरा विकेट इस टूर्नामेंट, इस मैच में, इस ओवर में आशीष, तीसरा झटका NCC को 50 रन की स्कोर पर, चौका मार के आउट हो गए अजय। अब अजय के स्थान पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज लाला आए हैं, लाला आए हैं नए बल्लेबाज,
और बहुत बड़ा गैप था वहां पर, गैप को भेदने में कामयाब रहे लाला और चार रन के साथ स्कोर पहुंचा है 54। 55 रनों का लक्ष्य, 55 रनों का लक्ष्य रखा है एनसीसी ने। अब देखना है वेब इनपुटेक किस तरह से पीछा करते इस रनों का। और पहले पचपन रनों का पीछा करने आए हैं वेब इन्फोटेक के दोनों बल्लेबाज जसवंत और पराग, और काफ़ी अनुभवी गेंदबाज उनके सामने महबूब भाई उर्फ मेबली साकार रोड के। और फुल टॉस गेंद थी, कवर्स में खेला अजय द्वारा, एक ही रन वहां पर। महबूब भाई काफ़ी अनुभव उनको क्रिकेट का, 50 साल के ऊपर उम्र है और फिटनेस देखिए 22-23 साल के लड़के जैसा। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं महबूब भाई, और हर सीज़न खेलते हैं AJCL, ये चौथा सीज़न कंटिन्यू खेल रहे हैं महबूब भाई की। अगली गेंद सामने पराग शिंदे, कट किया पराग ने और ये यहाँ पर जसवंत रन आउट हो चुके हैं। बहुत घाई करते हैं जसवंत, देखते भी नहीं। और इस बीच रनआउट हो चुके हैं, पहला झटका वेबटेक इन्फोटेक को। जसवंत आउट होकर पवेलियन में, और जसवंत के स्थान पर आए अजय गड्ढा और महबूब भाई। अगली गेंद सामने पराग, बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट था ये, लेकिन एक रन चुरा लिया है अजय गड्ढा और पराग शिंदे ने। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 2 रन, 55 रनों का लक्ष्य है और 55 रनों का पीछा कर रहे हैं महबूब भाई की। अगली गेंद अजय गड्ढा बैकफुट पर जाकर कट किया हल्के हाथों से, लेकिन एक रन जरूर चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। तीन रन, चार रन दिए अपने इस ओवर में महबूब भाई ने। और अभी भी 51 रनों की आवश्यकता है 24 गेंदों में, 51 रनों की आवश्यकता। और प्रमेय आए हैं दूसरा ओवर लेकर। ओह बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद हल्का सा स्विंग हुआ, आउट स्विंग, और इसी के कारण पराग शिंदे व्हाइट मांग रहे थे अंपायर से।
और इस बार अंपायर भी इस स्वीकारेंगे व्हाइट को। व्हाइट ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद, व्हाइट का इशारा अंपायर द्वारा। प्रमेय फिर से एक बार तैयार, सामने पराग कट किया थर्ड मैन की दिशा में, स्लिप के बाजू में से, और बहुत ही फेवरेट उनका वो स्थान है, वो जगह है जहां पर ज्यादा चौके पराग शिंदे ने लगाए हैं। इससे पहले मैच में भी ईसा खान को वहां पर खड़ा किए थे, तो ईसा खान के बगल से तीन चौके उन्होंने लगातार तीन बॉल पर मारे थे। अच्छी वापसी यहां पर प्रमेय की, चार रन चौका खाने के बाद अच्छी वापसी की है प्रमेय ने। ओवर पिच स्लॉट में ये गेंद थी, बॉल टप्पा खाने के बाद हल्का सा स्विंग हुआ। लगातार दो गेंदे डॉट, बहुत ही बढ़िया कमबैक, अच्छा कमबैक प्रमेय का, अच्छी गेंदबाजी। बॉलिंग बॉलिंग जो जोन है इनका बहुत स्ट्रांग है एनसीसी का। इस बार ऑन साइड में खेला है, एक ही रन मिलेगा, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन, दो अंकों में पहुंचता हुआ 10 रन। और इस एजेसीएल 2022 का ये सीजन चौथे का ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच, बल्ले का किनारा लगा और कोई गलती नहीं की दीपल शाह ने, और एक झटका, अजय गड्ढा आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ओवर प्रमेय का, ओवर की समाप्ति, दो ओवर समाप्ति के बाद 10 रन, दो विकेट, दो का तीन, दो विकेट अब आए हैं इसके पहले मैच के मैन ऑफ द मैच विजय नाचनकर। विजू साथ देने पराग शिंदे का, और तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं अजय। अजय और हल्का सा कट किया, दिशा दिखाई गेंद को, और एक रन चुरा लिया। इस एक रन के साथ स्कोर पचपा बढ़ता हुआ 11 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर, 11 रन हो चुके हैं। विजू आए नए बल्लेबाज अजय गड्ढा के आउट होने के बाद। बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप यॉर्कर ये गेंद थी, ऑफ स्टंप यॉर्कर ये गेंद थी। पूरे कंधे का इस्तेमाल करते अजय गेंदबाजी करते समय। और सीधे फील्डर के पास रनआउट का मौका यहां पर, और ये रनआउट पराग विजू, विजू रनआउट होकर पवेलियन जा रहे हैं। ये आत्महत्या यहां पर कहा जाएगा, सीधे फील्डर के हाथों में मार के दौड़ पड़े और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। अच्छा थ्रो और उतनी अच्छी, अच्छा गैदर किया अजय ने और स्टंप लगाया और एक झटका। और अब आए हैं विक्की गोयकर नए बल्लेबाज विजू के आउट होने के बाद। पराग अभी तक, और ये पराग भी तू चल मैं आया ऐसी स्थिति में, विजू जाने के बाद पीछे पीछे उनके चल दिए पराग शिंदे। और पराग शिंदे के आउट होने के बाद आए हैं मनोज, और मनोज जो कि थोड़े से इंजरी से गुजर रहे हैं, इनके लिए रनर का रनर रखा गया है पराग शिंदे को। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, थोड़े से पैरों में इंजरी है। इससे पहले दो मैच पहले वो फील्डिंग कर रहे थे लॉन्ग ऑफ पर, तो थोड़ी सी पैर में मोच आ गई थी, इसके कारण उनके पैरों में सूजन है, इसीलिए उनको रनर अलाउ किया है। अजय फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन, ऑफ साइड में थोड़े से फील्डर बढ़ा दिए हैं अजय ने। बढ़िया फील्डिंग, फील्डिंग की सजावट, और बढ़िया फील्डिंग की सजावट, और जिस तरह का फील्डिंग लगा उसी तरह की गेंदबाजी हो रही है। मैंने पहले ही कहा था बॉलिंग साइड जो है इनका बहुत ही स्ट्रांग है एनसीसी का। प्रमेय महबूब भाई और तीसरा ओवर लेके आए अजय, और इसके बाद और एक ओवर है, वो भी मजबूत बॉलर है, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ डालते हैं गेंदबाजी। अजय की अगली गेंद, विक्की गोयकर सीधे ब्लॉक कॉल में, बहुत ही बढ़िया गेंद ओवर की समाप्ति, तीन ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 12 रन। देखिए किस तरह की गेंदबाजी हो रही है। और दूसरा वह अपना दूसरा मैच का चौथा ओवर लेके आए प्रमेय। देखिए चार ओवर इनका जो है वो पूरी तरह से सेफ है, तीन ओवर में 12 रन दिए। अब
प्रमेय आए हैं चौथा ओवर लेके, आखिरी ओवर डालेंगे पच्ची यानी दीपल शाह। देखिए चार ओवर में पूरे मैच की रिजल्ट जो है वो मालूम पड़ जाती है, और जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, प्रमेय आए हैं मैच का चौथा और अपना दूसरा ओवर लेकर सामने मनोज, और गैप में मैं खेला है इसे, चार रन मिले, इस चार रन के साथ स्कोर पहुंचा है 16 रन। और इस बीच एक ही रन मिला, एक रन के साथ स्कोर, बढ़िया गेंद, प्रमेय फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, पवेलियन हेड से सामने मनोज, बढ़िया गेंद, अब मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद बाहर निकली गेंद, समझ नहीं पाए मनोज, अच्छा मिश्रण कराते हैं अपनी गेंदबाजी में प्रमेय, अच्छी गेंदबाजी हो रही है, और इस बीच कोई रन नहीं, लॉन्ग ऑफ पर अच्छी फील्डिंग नासिर द्वारा, प्रैक्टिस कर रहे ऐसा लग रहा है, कोई रन नहीं दे रहे हैं, बहुत ही मजबूत बॉलिंग साइट है एनसीसी का, फुल टॉस गेंद, ओवर की समाप्ति, चार ओवर 16 रन, एक चौका खाने के बाद 5 गेंदे डॉट निकाले हैं प्रमेय ने, बहुत ही बढ़िया ओवर, अब आया है दीपल शाह आखिरी ओवर लेकर 16 रन, 52 रनों का पीछा कर रहे हैं, 52 रनों का पीछा कर रहे हैं आखिरी ओवर, कोई रन नहीं, ये इस टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मैच, अगर ये मैच इन दोनों में से कोई जीतता है तो सेमी में प्रवेश कर जाएंगे, और ये विकी गोएकर एक अजीबो गरीब, मतलब एक दिखा रहे हैं कि मैं भी इस प्रकार का शॉट खेल सकता हूं, विकी सामने बहुत अच्छा खेलते हैं, और ये थोड़ी देर हवा में गेंद, एक रन मिला उसकी, और उसी प्रकार की गेंदबाजी हो रही है, विकी जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं उसी प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं दीपल शाह, मनोज आए हैं स्ट्राइक पर, और ये देखिए होता है चलता है, 4 रन मिले, और लगातार 2 बॉल पर 2 चौके, बढ़िया बल्लेबाजी मनोज द्वारा, और ओवर की समाप्ति, ये मैच जीत चुका है एनसीसी, सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, कांग्रेचुलेशन एनसीसी, और इसके बाद WA पैकर्स वर्सेस दिल्ली जायका ही ना, मैन ऑफ द मैच कौन रहे, एक्सक्यूज मी वड़ा पाव आया तेरा, चल स्कोरर को पूछ रहा हूँ, ये बोलना कौन बैटिंग कौन, प्रमेय को देना, प्रमेय मैन ऑफ द मैच प्रमेय, बढ़िया गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने अपने इस मैच को जिताने के लिए, प्रमेय मैन ऑफ द मैच, बढ़िया गेंदबाजी और बल्ले से भी थोड़े रन बनाए प्रमेय ने, विकेट भी निकाले, और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जा रहा है प्रमेय को,